हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ रिचफील के प्रोडक्ट्स का रिव्यू। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने रिचफील से ऑर्डर करे हैं और इन सब का रिव्यू लेकर मैं आपके साथ आई हूँ। और ये प्रोडक्ट्स मैंने इन्हें यूज़ किया है, अपने ऊपर ट्राई एंड टेस्ट किया है और उसके बाद एक जेन्युइन रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल भी एक पेड रिव्यू नहीं है फ्रेंड्स। सो दीज प्रोडक्ट्स आई हैव बॉट वेरी अर्ली ऑन टाइम, सो नाउ आई एम शेयरिंग ईच एंड एवरी रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट विच आई हैव यूज एंड एमडी। ओके, सो द फर्स्ट वन इज रिच फील। आई होप यू कैन सी दिस। दिस वन इज अ रिच फील प्रोडक्ट। ओके, दिस इज फ्रॉम दिस इज अ एडवांस नाइट रिपेयर सीरम। दिस रिपेयर सीरम आई हैव एम्प्टीड द एंटायर बॉटल। नाइस स्किन लॉजिक्स का ये प्रोडक्ट है, राइस ब्रांड का, और राइस प्रोटीन है इसके अंदर। ये 25 ml प्रोडक्ट अराउंड 265 rupees का ये प्रोडक्ट है। विद दिस दिस ये एक आता है इसके साथ, ये टेस्ट ट्यूब, ये जो भी है, आई मीन अंडरस्टैंड यार। सो दिस इज़ अ फाइन सीरम। इट इज़ नॉट लाइक मैं इसके लिए इतने रुपए खर्च कर और ये परचेज करूँ, नॉट वर्थ वाइल, बिकॉज ये सिर्फ स्मूदनेस क्रिएट करता है हमारे फेस पे, इसके अलावा इसका कोई भी यूज़ नहीं है गाइज। सो एब्सोल्युटली डिसहार्टनिंग प्रोडक्ट। मतलब क्यों पैसे वेस्ट करना है इसके ऊपर, आपके पास जो भी क्रीम है आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिच फील का कैंडिवेला एंटी ब्लेमिश क्रीम। सो इफ यू कैन सी, सो दिस क्रीम इज कॉस्टेड मी फॉर ₹199 फॉर 50 ml ऑफ प्रोडक्ट। सो या फॉर द प्रोडक्ट, व्हाट आई कैन से अबाउट दिस प्रोडक्ट इज इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। एंटी ब्लेमिश क्रीम है ये। तो इसके अंदर क्या है कि क्रीम काम तो करती है आपके फेस पे, लाइक 50% इट लाइक रिड्यूसेस द ब्लेमिशेस, बट इट कैन बी यूज्ड ओनली इन विंटर, स्पेशली फॉर द ऑयली और कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन। आप इसे बिल्कुल भी समर्स में, रेनी सीजन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली दिस क्रीम की जो टेंडेंसी, जो इसका टेक्स्चर है ना, आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी और ऑयली हो जाती है फेस पे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यूज। आई हैव एम्प्टीड दिस बॉटल एज यू कैन सी दिस। तो आप इसे विंटर्स में यूज़ कर सकते हो, ये काम भी करता है 50%, बट आई एम गोइंग टू परचेज रीपरचेज इट, नो नो। सो ओके, चलो रिच फील में एक प्रोडक्ट तो अच्छा है जो मैं वापस परचेज करना चाहूँगी, वो ये है रिच फील का। दिस इज स्किन वाइटनिंग पैक। ओके, हेल्प्स इन स्किन फेयरनेस। तो ये कैसा प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये भी ख़त्म होने वाला है ये प्रोडक्ट, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे प्रोडक्ट है। ये 485 rupees का, आई थिंक 100 ग्राम की ये बॉटल है। तो गाइज, दिस इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। जैसे एक जैसे हम मडमास जानते हैं, ये मुल्तानी मिट्टी जैसे, इसमें पाउडर है, पाउडर एकदम पाउडर टेक्सचर है इसका। और यस, ये लिटरली आपकी स्किन को एक ब्राइटनेस देता है, एक फेयरनेस ग्लो देता है आपके फेस को। तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन 485 इज़ अ बिग डील। अगर आप खर्च कर सकते हैं तो वाई नॉट, इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। ये आपके फेस को लिटरली थोड़ी वाइटनेस फेयरनेस देता है, तो दिस प्रोडक्ट वर्क्स फॉर मी। सो या आई रियली लाइक दिस रिचफील स्किन वाइटनिंग पैक, सो गो फॉर इट गाइज। इसके साथ एक सिरम भी आता है गाइज, विच इज़ ऑफ 10 ml, विच इज़ वाटरी कंसिस्टेंसी की, आप उसे यूज़ करके फिर से यूज़ कीजिए। तो गाइज ट्रस्ट मी, ओनली दिस पैक इज़ इनफ फॉर यू। यू डू नॉट नीड एनी अदर थिंग टू यूज़ लाइक इसके साथ, और कुछ परचेज करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। ओके, द नेक्स्ट माई हेटरेड प्रोडक्ट, आई हेट दिस प्रोडक्ट, विच इज रिच फील ब्राह्मी इंटेंसिव हेयर पैक। ओके गाइज, दिस इज 275 rupees प्रोडक्ट, ऑफ रुपीज लाइक ऑफ रुपीज 275, एंड द प्रोडक्ट क्वान्टिटी इज 100 grams। ओके, 100 gram प्रोडक्ट दिस वन इज, आई हैव इट इज, आई एम गोइंग जस्ट अबाउट टू फिनिश, आई एम जस्ट लाइक फिनिशिंग इट, लाइक कि ठीक है भाई ख़त्म हो जा दिस प्रोडक्ट। ओके गाइज, ये भी बॉटल कंसिस्टेंसी में आते हैं, ये इसकी कंसिस्टेंसी इफ यू कैन सी इट, थोड़ा सा ही बचा है ये, इससे बस मैं यूँ ही फिनिश कर रही हूँ अपने स्प्लिट एंड्स पे लगा कर। बाकी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट प्रोडक्ट, बालों इतनी ख़राब फ्रेगनेंस है गाइज इसकी, इतनी गंदी फ्रेगनेंस है इसकी कि इसको लगाने के बाद भी आपको बहुत दिनों तक इसकी स्मेल आएगी, कितना भी शैम्पू कर लो। आई रियली हेट द स्मेल ऑफ दिस फर्स्ट सेकेंड। ये बालों को कोई नरिशमेंट नहीं देता है, बालों को कुछ भी, मतलब आई डोंट फील कि इसने मेरे बालों पे कुछ किया है, बस मैं इसको स्प्रे रेंज पे लगा के इसे फिनिश करी क्योंकि मैंने पैसा खर्च किया इस पर।
रेस्ट, जीरो प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट, माइनस में इसकी मार्किंग है। आई विल नेवर एवर परचेज दिस वन, नेवर, नो, बिग जीरो, पैसे खर्च मत करना कभी इस पर। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट वन इज कुकुम्बर मसाज जेल ऑफ रिच फिल। ये टोनिंग क्रीम है, ये 225 रुपीज़ की 100 ग्राम प्रोडक्ट है, और ग्लैड टू हियर गाइस ये काम करता है। या आई लाइक दिस वन, जब भी मुझे फेशियल करना होता है और अगर मुझे क्रीम, मतलब आई लव दिस क्रीम, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मसाज क्रीम, ग्रीन कलर एंड टेक्स्चर, वेरी सॉफ्ट स्मूथ, स्किन को भी यूज, मतलब स्किन पे, जैसे मेरी ऑयली स्किन है तो ये स्किन को, ऐसा नहीं कि आपके एक्ने या बम्स आ जाएंगे स्किन पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल जस्ट गिव अ ब्यूटिफुल टेक्स्चर टू योर स्किन, मतलब बहुत प्यारी मसाज क्रीम है। मैं इसे अपने फेशियल अगर मुझे करना होता है तो उसमें भी मैं ये मसाज क्रीम यूज़ करती हूँ, एंड इट वर्क्स वेरी वंडर्स। अगर आप इसे सिर्फ लगा के अपने पैरों पे, हाथ पैरों पे मसाज कर लेते हो, फेस पे कर लेते हो, तो इट विल लीव नो रेसिड्यू, आपकी स्किन को कोई भी स्टिकी और ऐसा कुछ नहीं करेगा। आई लव दिस क्रीम गाइस, बहुत प्यारी क्रीम है, और इसका प्राइस है ₹225 फॉर 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअली वर्क्स रियली नाइस, फेशियल में तो बेस्ट ही है, स्किन पे कोई एक्ने या कुछ नहीं आता, ऑयली स्किन के लिए भी वर्क्स बेस्ट, क्योंकि इसे परचेज करने से पहले मैं बहुत डर रही थी कि ये पता नहीं मेरी स्किन कैसा करेगा, बट या इट वर्क्स वेल, आई रियली लाइक दिस वन, सो आई विल परचेज इट, यस आई विल, बट या इसके भी चांसेस 20% कम है, बट आई लाइक दिस वन। ओके गाइस, सो पहले मैंने ये परचेज किया था रिच फील का ओएम जैक्रॉइस क्रीम, हेल्प रिड्यूस ग्रोथ ऑफ एक्सेस हेयर, 100 ग्राम ऑफ क्रीम ऑफ ₹229, और उसके बाद फिर मैंने ये एक और परचेज किया। सो यू गॉट टू नो कि मैंने इसे दोबारा क्यों परचेज किया, तो डेफिनेटली गाइज इट वर्क्स फॉर मी, ये हेयर रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को कम करता है, मतलब मैं वैक्सिंग करवाने के बाद इसे डेफिनेटली आई रेगुलरली यूज इट बिकॉज ये करता है, लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसे फेस पे यूज़ करो, क्योंकि मैंने जब इसे फेस पे यूज़ किया तो ये थोड़े जो आपके जो हेयर्स होते हैं ना, बहुत हार्ड हेयर्स आते हैं उसके बाद, तो आई रियली डू नॉट लाइक दैट, और लेग्स और हैंड्स पे तो इट वर्क्स वेल, बट फेस के लिए आई विल नॉट सजेस्ट दैट, बट या फॉर इवन आफ्टर वैक्सिंग तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ अ नाइस प्रोडक्ट्स। तो गाइज ये सारे मेरे प्रोडक्ट्स थे रिच फील के, एंड लाइक आई होप आपको मेरा रिव्यू, जो ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपको लोगों को दिया है, वो आपको पसंद आएगा, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड डू कॉमेंट बिलो दैट विच प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू परचेज एंड नॉट गोइंग टू परचेज, और एनी अदर सजेशन कि मुझे रिच फील का ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट गाइज एंड लेट मी नो, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव, बाय बाय।